अभी पूछता कि भाई जी, हम रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग करते हैं, एक दिन मिस नहीं करते, बीमारी क्यों आई? कारण बताओ। माता जी कहती, भाई जी मैं रोज मुरली सुनती हूँ, 10 साल एक दिन मिस नहीं किया, एक दिन भी योग मिस नहीं किया, रोज करती हूँ, तो ये बीमारी क्यों आई बताओ? हाँ, योग किया, मुरली सुनी, सेवा ने तन से सेवा नहीं किया। तन की बीमारी कौन मिटाएगा? तन की बीमारी आने के बाबा अपने आप नहीं। हाँ, आप ये तन की भी सेवा से, तन से यज्ञ की सेवा करो तो तन निरोगी होगा। आपने योग किया, निरोगी नहीं होंगे। शरीर की बीमारी अलग, योग से आत्मा को शक्ति मिलेगी। मुरली सुनी, धन मिलेगा, मुरली आपका मुरली ज्ञान है, लेकिन शरीर की बीमारी, शरीर भगवान के सेवा में लगाओ। पूछता कितना मिनट लगाते हो? 24 घंटे है भगवान की सेवा में, ये तन कितना मिनट लगाते हो? विधि बताए, एक का पदम गुना, एक मिनट अगर सेवा करते हो एक जन्म, बैंक कहता है 100 रुपया रखो, 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको एक महीने में 100 रुपया चाहिए इंटरेस्ट, तो कितना रुपया बैंक में रखना पड़ेगा बताओ जल्दी? छोटी दीदी बता रहे, हाँ रखना पड़ेगा ना, इतना रखेंगे तो मिलेगा ना, नहीं तो नहीं मिलेगा ना। यहां भी आपको कितने जन्म के लिए निरोगी काया चाहिए, विधान है, वह आपके हाथ में है। इतनी यज्ञ की सेवा करना चाहिए, ठीक है, मंजूर।